Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class that is English for Grade 1 and we are going to start unit 16. Its title is professions. My dear fellow teachers and dear students, this is the SLO based lecture division for this unit. First we'll look at this and after that we'll discuss what this unit is all about. So Lecture one, under the title of grammar, we are going to learn about words showing possession and we'll cover the SLO, identify and use words showing possession my, he, your, his, her, our, and their. Lecture two, we'll start reading and understanding the text and we'll cover the SLO to locate some specific factual information. Pronounce and match spoken words with written words. Lecture 3 will continue and complete reading and understanding of the text as well as comprehension of this unit and will cover the SLOs to locate some specific factual information, pronounce and match spoken words with written words. Lecture 4 under the title of listening and speaking will learn about different communicative functions and we'll cover the SLO to use appropriate body language for different communicative functions. Lecture 5 under the title of writing will learn to make a greeting card and we'll cover the SLO to recognize the conventions of a greeting card. Draw illustration to make greeting card. Write name of addressee and sender, and write appropriate words and formulaic expressions. Yes, my dear students and dear fellow teachers, this is the SLO based lecture like to be in for this unit. Now let's see what this unit is all about. The title of the unit is profession. Its theme is employment. करियर्स ऑक्यूपेशन कॉमन प्रोफेशन फ्राम सराउंड स्टूडेंट्स वोफेशन मीन क्या मतलब होता है प्रोफेशन का प्रोफेशन का मतलब है पेशा जरिया मुआश रोजगार और इसका थीम है बेटा हम अपनी अर्निंग के लिए टू अर्न मनी हम क्या करते हैं कि एक अपना फ़ील्ड सेलेक्ट करते हैं और उस फील्ड की हम बाकायदा एजुकेशन और ट्रेनिंग लेते हैं फिर हम उसको परफॉर्म करते हैं और जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तो वी अर्न मनी एंड इट बिकम्स आवर प्रोफेशन वो हमारा जरिया बन जाता है तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सब किसी ना किसी प्रोफेशन से मुंसलिक होते हैं आपके फादर मे बी योर मदर एज वेल और जितने भी स्पेशली हमारी सोसाइटी के मेल है, मेंबर्स हैं वो डिफरेंट प्रोफेशन से मुनसलिक हैं एज़ वेल एज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी की फीमेल्स भी बहुत से प्रोफेशंस में जो मुल्क और कौम की खदमत कर रही हैं तो बेटा आपके इस यूनिट में कुछ प्रोफेशंस का जिक्र है देखते हैं वो कौन से हैं जो सबसे पहले हैं वो है पोस्टमैन पोस्टमैन कौन होता है डाकिया और डाकिया क्या, क्या करता है अ पोस्टमैन इज़ अ पर्सन हु डिलीवर्स लेटर्स जो कि ख़त मनी ऑर्डर इनविटेशन, यानी दावतनामे एंड पार्सल्स पहुंचाता है ये डाकिया का काम है अब थोड़ा सा मॉडिफ़ाई होकर इसमें कोरियर भी शामिल हो गए लेकिन बेसिकली बेटा ये जो पोस्टमैन एंड कोरियर मैन उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो पार्सल्स मनी ऑर्डर्स, लेटर्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं जो टिपिकली हमारा डाकिया है उसका यूनिफॉर्म

और व्हीकल्स क्या होते हैं जो गाड़ियाँ डिफरेंट हमारे ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया होते हैं जैसे मोटरसाइकल्स हैं गाड़ियाँ हैं वैन्स बस वट एवर जो भी हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो जब भी वो कभी खराब हो जाते हैं तो उसको ये रिपेयर यानी कि उसको दुरुस्त करते हैं ये मकैनिक का का काम है राइट right? और ये भी एक प्रोफेशन है द नेक्स्ट वन इज नर्स नर्स कौन होती है यूजली हम देखते हैं फीमेल नर्स लेकिन मेल नर्स भी होते हैं ठीक है अ नर्स इज़ अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द पेशेंट एट हॉस्पिटल नर्स वो होती हैं जो कि हस्पताल में मरीजों का ख्याल रखती हैं उनको लुक आफ्टर करती हैं यानी उनकी देखभाल करती हैं शी वेयर्स नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म वो साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहनती हैं शी असिस्ट द डॉक्टर वो डॉक्टर को असिस्ट करती हैं यानी उनकी माउन होती है उनकी मददगार होती है शी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल परसन इन दॉपिटल वो हॉस्पिटल में एक जिम्मेदार पर्सन होती हैं शी परफॉर्म्स हर ड्यूटीज विशन और वो अपनी जिम्मेदारी बहुत ही तो डेडिकेशन के साथ निभाती हैं डेडिकेशन का क्या मतलब है किसी काम को बहुत एहतियात से और अपनी पूरी एनर्जी के लेवल पर करना ठीक है फिर हैं जी टीचर अ टीचर इज द बर्दर ऑफ अ नेशन टीचर ए अपने कौम की ममार होती हैं या टीचर उस्ताद कौम का ममार होता है इधर अ फीमेल और अ मेल बस शी लव्स हर स्टूडेंट्स लाइक हर ओन चिल्ड्रन उस्ताद अपने जो शागिर्दब इल अपने शागिर्द होते हैं उनका अपने ही बच्चों की तरह प्यार करते हैं इट्स सो ट्रू आई लव यू जस्ट लाइक माई ओन ओके स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट एंड ओबे द टीचर और शागिर्द भी बहुत अच्छे होते हैं वो अपने की इज़्ज़त करते हैं और उनका हुक्म मानते हैं दे कंसिडर दैम अ रोल मॉडल और वो उनको उनको फॉलो करना चाहते हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं तो बेटा ये कुछ प्रोफेशंस हैं इसके अलावा भी हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो बहुत से शोबों से मुंसलिक हैं और कोई भी काम जो है वो छोटा और बड़ा नहीं होता ठीक है हम एक काम को सीखते हैं उसकी तालीम हासिल करते हैं फिर उसको परफॉर्म करते हैं एक्चुअल बात ये है कि हम कितनी ज़िम्मेदारी से अपनी जो ड्यूटी है उसको निभाते हैं और अपने मुल्क की तरक्की में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं राइट तो बेटा आप लोग अभी छोटे हैं अभी से सोचें बड़े होकर आप क्या बनेंगे और आप जो बनेंगे उसको आप मुल्क व मिलत के लिए किस तरह से मावन साबित होंगे राइट तो मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत समझदार हैं और बड़े होकर आपने बहुत सा काम करना है राइट अब आपने क्या करना है कि आपने डिफरेंट प्रोफेशंस डिस्कस करने हैं अपने टीचर के साथ भी घर जाकर भी देखें आपके चचा मामू खालू फूफा वगैरह वो किन शोबों से मुंसलिक है राइट और बेटा ये हमने इस लेसन से ये सीखा है कि हम अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए मददगार साबित होंगे दैट्स इट इंशाल्लाह कल हम इसके ग्रामर के पोर्शन से इस यूनिट को बाकायदा स्टार्ट करेंगे टिल दैट टाइम वट एवर यू लर्न इसको जहन में रखें और अपने अमल में लाएं थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़